महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटा मनन, ये सिर्फ तुम्हारे दादू ही नहीं बल्कि इन बच्चों के मामा जी, इन बच्चों के नाना जी और इन बड़े बच्चों के पापा जी भी हैं। इन्होंने हर रिश्ते को बड़े ही प्यार से संजो के रखा है। मेरे पापा श्री ओम प्रकाश जी लाहोटी का जन्म 27 फरवरी 1944 को हमारे यहाँ स्वर्गीय दादा श्री बालकिशन जी और दादी स्वर्गीय चंपा देवी के यहाँ राजस्थान में जयपुर के पास एक छोटे से गांव सांबर लेक में हुआ। इनका बचपन सांबर लेक में ही गुजरा और इन्होंने वहीं अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 1960 में ये ग्रेजुएशन के लिए मुंबई आए और 1964 में खालसा कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और इसी दौरान पढ़ाई के साथ मरीन लाइन्स के हिंदी विद्या भवन में एक छोटा सा स्टॉल खोला, जिसके लिए हमारे स्वर्गीय दादाजी और स्वर्गीय श्री कृष्णा जी सुमानी ने इनकी मदद की। एक साल की कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ पापा ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, जिसे वो खुद ही मैन्युअली ऑपरेट करते थे। 1968 में पापा ने महालक्ष्मी में एक ऑफिस लिया और अपनी प्रिंटिंग प्रेस को फाउंटेन से महालक्ष्मी शिफ्ट किया। यह वही साल है जब पापा एक से दो हुए। जी हाँ, मतलब लाहोटी परिवार में एक नया सदस्य जुड़ा। हमारी स्वर्गीय माता जी सुशीला देवी ने लाहोटी परिवार को अपना परिवार बना लिया। और समय के साथ साथ लाहोटी परिवार का परिवार और बिजनेस फलता और फैलता गया। इस कड़ी में हमारी जुड़वा बहनें संगीता दीदी और सविता दीदी ने लाहोटी परिवार में जन्म लेके मम्मी पापा को पहली बार मम्मी पापा बनने का सौभाग्य दिया और फिर टीना दीदी, पूजा दीदी और अंत में उनके सबसे होनहार बेटे का जन्म हुआ, यानी मैं। इसी प्रकार जीवन में खट्टे और मीठे उतार चढ़ाव आते रहे। भागदौड़ में पापा ने 1970 में वापी गुजरात में अपनी दूसरी प्रिंटिंग प्रेस शुरू की और 1919 में सिलवासा और फिर 2005 में हिमाचल प्रदेश में अपने बिजनेस का विस्तार किया। बिजनेस और फैमिली के साथ साथ पापा सामाजिक और धार्मिक कार्य में सदैव जुड़े रहे और जब से मुझे होश आया, पापा की हमेशा से भगवान में आस्था बनी रही है। सांबर लेक में हमारा प्राचीन शिव मंदिर है और वहाँ पापा हमेशा अपने जन्मदिन पर दर्शन करने जाते हैं और जहाँ तक मुझे याद है, पापा परिवार वेकेशन के नाम पे सिर्फ धाम दर्शन के दर्शन ही कराते हैं। हमारे घर के बॉस के बॉस भी है, इसीलिए तो सारी जर्दोजहद के बाद आखिर में हाजिरी देनी पड़ती है। अपने नाते और पोते के लिए टाइम निकालना पड़ता है और बॉसेस को खुश रखना है। पागल सी ख्वाहिशें खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है, कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ
अब आइए हम आपको ले चलते हैं ओम प्रकाश जी के वास्तविक जीवन में। कर आग्रे बसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेच गोविंद, करो में कर दर्शन। उठो बेटा। सोनल बेटा नाश्ता लाओ। हाँ पापा। दड़ दड़ भागा भागा सा, 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 दड़ दड़ भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा। Thank you.